हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी फ्रॉम रानी की रसोई। और आज हम बनाएंगे ग्रेवी वेज मंचूरियन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत ही फटाफट से बनेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप कद्दूकस किया हुआ गोभी, पत्ता गोभी है ये, और साथ ही मैंने लिए थोड़े से स्प्रिंग अनियन जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये एक गाजर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और साथ ही ये 2-3 हरी मिर्च है, और ये थोड़ी सी बीन्स है इसको भी मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, और यहाँ मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, और साथ ही 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाले हैं, और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का डाला है हमने, और इसमें डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच नमक, नमक आपने स्वाद अनुसार डालें। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम जो भी वेजीज डालेंगे और उसमें अगर पानी आ जाए तो उसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ डो हमारा ठीक नहीं बनेगा। और ऐसे ही मिक्स करके हमारा डो ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमारा डो तैयार है। यहाँ गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई, इसमें डाला है ऑयल, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें बॉल्स डालेंगे, और ऐसे करके हम अपनी सारी मंचूरियन बॉल्स को रेडी कर लेंगे। इसे राउंड राउंड शेप देंगे, सिंपल है, थोड़ा सा हाथ में लेना है लाइक दिस, और इसको उंगली की हेल्प से हमें राउंड शेप, जितनी राउंड शेप हम दे सकें उतना हम राउंड शेप इसकी फॉर्म करेंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस, वेरी ईजी एंड सिंपल। और ऐसे ही हम सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे और बस जस्ट लाइक दिस फिंगर्स में ऐसे थोड़ा दबा दबा के एज राउंड एज पॉसिबल हम उसको शेप देंगे, और सारी बॉल्स को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। सी, है ना सिंपल। तो बस ये हमारी लास्ट बॉल भी बस रेडी हो गई है, परफेक्ट। तो सारी मंचूरियन बॉल्स हमारी रेडी है, ऑयल भी हमारा गरम हो गया है, तो अब हम एक एक करके इसको डालेंगे ऑयल में, बस सिंपल लाइक दिस, एक एक करके सारी बॉल्स को हम डाल देंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में, और ऐसे ही उसे करछी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे ताकि वो एक ही साइड से ज़्यादा ना पक जाए और दूसरी साइड से कच्चा ना रह जाए। तो ऐसे ही उसको हिला देंगे हम। तो यहाँ 2 पीस हमने जो पहले डाले थे, 2 बॉल्स हमारी रेडी हो गई, तो उसको छान के निकाल लेंगे, और अभी बाकी मंचूरियंस को फ्राई होने में थोड़ा टाइम है, तो उनको ऐसे ही हम करछी से हिलाते रहेंगे ताकि वो इवनली गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो मीडियम हाई रखेंगे हम गैस का फ्लेम अभी, ठीक है। तो ये हमारी बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं और बस हम सबको छान लेंगे। तो इट इज़ इजी पीजी, बस हमारी बॉल्स सारी फ्राई हो चुकी है। अब हमें बनानी है इसकी सॉस ग्रेवी, तो उसके लिए मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रखा है, एंड मीनवाइल चेक द मंचूरियन बॉल्स। तो ये एकदम फुल्ली कुक्ड है, अंदर से एकदम पका हुआ। तो पैन हो गया है गरम, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 टेबल स्पून। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा क्रश जिंजर, ओके, लगभग 1.5 इंच जिंजर था जिसको मैंने क्रश कर लिया है। उसको 1 मिनट सॉटे करने के बाद उसमें कुछ 3-4 लहसुन को मैंने उसको क्रश कर लिया था उसको डाला है। इसको भी 1-2 मिनट के लिए हम सॉटे करेंगे फुल फ्लेम पे, और उसके बाद मैंने इसमें डाली है स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को भी हम 2-3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे, बिल्कुल पकाना नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ को, बस थोड़ा थोड़ा सॉटे कर लेना है। एंड देन थोड़ी सी चॉप चिलीज, आपको कम पसंद हो तो आप कम डाल दें, मैंने यहाँ 3-4 डाली हैं। और ये है 1 शिमला मिर्च ग्रीन एंड येलो, ठीक है, 1 भी नहीं, 1 से कम ही है कुछ, ठीक है। तो इन सबको डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम। और इसमें डाला है मैंने 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर का, थोड़ा मिक्स करेंगे, और 1/2 छोटा चम्मच नमक का,
और एक बड़ा चम्मच डाला है मैंने सोया सॉस, एंड दो बड़े चम्मच हम डालेंगे रेड चिली सॉस के। आपको कम तीखा पसंद हो तो आप एक बड़ा चम्मच चिली सॉस डालें। आई लाइक इट स्पाइसी, तो मैंने दो बड़े चम्मच चिली सॉस के डाले हैं। एंड देन दो बड़े चम्मच केचप के। आप सॉस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट इट मोर यू कैन ऐड, डेफिनेटली ऐड। इन सबको डाल के हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। एंड इसमें थोड़ा सा पानी डाला है हमने, लगभग आधा कप पानी डाला है, जस्ट टू एडजस्ट दी कंसिस्टेंसी, थोड़ा हमारी सॉस पक भी जाए और अच्छे से। तो थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक सेपरेट बोल में हमने डाला है एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसकी एक स्लरी सी बनाएंगे और ऐसे हम अपनी सॉस में ग्रेवी में ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर से ना इट विल ऐड द थिकनेस, इट विल प्रोवाइड द थिकनेस टू दी ग्रेवी, ओके। और बस फिर थोड़ा सा पानी, तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है टू एडजस्ट दी कंसिस्टेंसी ऑफ दी ग्रेवी। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रखें उसकी कंसिस्टेंसी। अगर आपको बहुत थिक पसंद है देन नो नीड ऑफ एडिंग वाटर, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी मंचूरियन बॉल्स को उसमें डाल देंगे और कॉर्नफ्लावर को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर वाली जो स्लरी को एकदम एक साथ नहीं डालेंगे, ओके। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, ओके। तो हमने मंचूरियन बहुत सारी डाल दी है और उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इट इज़ रेडी। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम सर्विंग बोल में। और हमें मंचूरियन बॉल्स को मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 to 2 minutes एंड इट इज़ डन, ओके। सो ये हमने ट्रांसफ़र कर लिए सर्विंग बोल में एंड लुक एट दिस, योर ग्रेवी मंचूरियन इज़ रेडी, ओके। सो इफ़ यू लाइक द रेसिपी देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर रेसिपी लाइक दिस। और उसके साथ में जो बेल आइकन है प्लीज़ प्रेस दैट ऑल्सो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। एंड सी इट इज़ डिलीशियस फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, सो गो एंड ट्राई आउट द रेसिपी एंड शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।